हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ये वन पीस बेबी रोमपर बनाएंगे जो ये बहुत न्यू बॉर्न बेबी से लेके 3-4 महीने तक के बच्चे के लिए सही होगा। ये देखिए, इसका नीचे का पोर्शन है और ये इसका ऊपर का है, ये इसका बिग वाला पोर्शन है और ये इसके स्ट्रेप्स है। ये दो भाग में बनेगा, इसी तरह के सेम दो भाग बनेंगे, बस डिफरेंस ये रहेगा कि जैसे ये आप चाहे इसको फ्रंट बनाएं या दूसरे वाले को बैक बनाएं, इसमें नीचे ये तीन मतलब बटन होल बने, तीन चार बने, 1 2 3 4, ये चार बटन बनेंगे और नेक्स्ट वाले पार्ट में बटन होल नहीं बनेंगे। और इसमें एक पार्ट में यहाँ स्टेप्स में ये बटन होल बनेगा और दूसरे पार्ट में बटन लगेगी, दूसरे पार्ट में बटन लगेगी और इस देखिए दोनों स्टेप्स में ये बटन होल ये बना है और ये स्ट्रेप्स, ये साइड से यहाँ से ऐसे सिल दिया जाएगा दोनों पोर्शन। और ये नीचे का, ये बेसिकली तीन पार्ट आप इसको सपोज कर सकते हैं। जैसे ये इसका नीचे का पैंट का पोर्शन हो गया, ये कट वाला है और ये इसका, और ये इसकी पूरी लेंथ हो गई। आप बच्चे की जो लेंथ होगी वो आप इंचेज में नाप लेंगे, ये इस तरह से आप इसे इंचेज में नाप लेंगे और उसके बाद इंचेज में आप उसको नाप लेंगे। जैसे ये आप सपोज करें पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसे नाप लिया, ये मेरा 32 सेंटीमीटर है, ये 32 सेंटीमीटर है। और इसे अगर हम देखें तो ये इसका लोअर पोर्शन है, ये यहाँ तक ये लोअर पोर्शन है, ये जैसे आप समझ सकते हैं, ये देखिए पैंट का पोर्शन हो गया और यहाँ से यहाँ तक इसके नीचे कमर से लेके और ये यहाँ आपका जहाँ से ये स्लीव्स घटती हैं ये वो वाला पोर्शन, ये स्लीव्स घट गई, ये ऊपर का पोर्शन हो गया। तो आप बच्चे का लेंथ नाप लेंगे और उसके बाद आपको ये नीचे का पैंट वाला पोर्शन जितना रखना है कट वाला उस हिसाब से रखेंगे। और लंबाई यहाँ से लेके जहाँ से स्लीव्स की कंधों की घटाई होती है, बांह की शेपिंग होती है, वहाँ तक ये वाली लंबाई हम रखेंगे। अब आप इसे अलग से भी नाप सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए 19 सेंटीमीटर है। और इसकी टोटल अगर चौड़ाई देखें तो ये 22 सेंटीमीटर है। और ये आप जैसे मैंने ये सीधा सीधे तरफ सीधा, उल्टे तरफ उल्टे तरफ उल्टा बनाया है, यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बनाया है, टेडी का फेस है, अभी ईयर और नोज़ नहीं, आईज़ और नोज़ नहीं बने। आप चाहें तो इसे दोनों तरफ सीधा सीधा बुन सकते हैं और यहाँ पे कोई एक बेल डाल सकते हैं या कोई कार्टून करेक्टर या कोई एनिमल का पैटर्न डाल सकते हैं। इसे आप दो कलर में भी बना सकते हैं, ये आप डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर लिया है और ये शुरू स्टार्ट यहाँ से होगा। ये देखिए मैंने ये 20 फंदे यहाँ पे डाले हैं, 20 फंदे डाल के 3 सलाइयाँ मैंने एक सीधी एक उल्टी एक सीधी बिन के उसके बाद ये बटन होल बनाया है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैंने जैसे पहले बताया उसमें बटन होल नहीं बनेगा यहाँ पे, और ये स्ट्रिप्स में यहाँ बटन होल उसमें नहीं बनेंगे, बाकी सेम एज इट इज़ ही बनेगा। इसको बनाने के लिए मैं आपको बटन होल बनाना बता देती हूँ, बल्कि मेरा ये पार्ट तो बन गया है लेकिन मैं आपको बटन होल बनाना बता देती हूँ। और ये देखिए यहाँ से साइडों से ये फंदे आपको दिख रहे होंगे, ये जाली से, ये देखिए जाली दिख रही होगी और ये फंदे यहाँ से बढ़ते जाएंगे। और जितने फंदे आपको इसकी जितनी ये चौड़ाई विड्थ रखनी है आप वहाँ तक बढ़ाएंगे। मैंने 20 फंदे से शुरू करके ये 52 फंदे तक बढ़ाया है, उसके बाद मैंने यहाँ से इसकी जितनी मुझे लंबाई रखनी थी, अभी हमने देखा था 19 सेंटीमीटर, ये पैंट वाला पोर्शन यहाँ से ख़त्म हो गया और यहाँ से हमने 19 सेंटीमीटर लंबाई रखी है। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग लंबाई रखेंगे। ये ऊन मल्टी कलर ऊन है, ये बेबी बेबीज़ के उस पर ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमें ऑनलाइन शॉप है प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर करके, उन्होंने अवेलेबल कराया था। और ये बटन होल कैसे बनते हैं उनका कलेक्शन भी बहुत अच्छा है और हर चीज़ अवेलेबल रहती है।
ये मैंने तीन सिलाई, एक सीधी एक उल्टी बिन के तीन सिलाइयाँ बिन ली हैं। चौथी सिलाई में मैं आ गई हूँ। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें मुझे बटन होल नहीं बनाना है, लेकिन मुझे आपको दिखाना है, इसलिए मैं बना के बता रही हूँ। स्टार्टिंग के हम तीन फंदे सीधे बिनेंगे, एक, और बटन होल जब भी बनाएंगे, आपके फंदे अगर ज़्यादा हैं तो आपके चार से ज़्यादा भी बन सकते हैं, तो आप उसे इक्वल दूरी पर बनाएं। जैसे ऐसा ना हो कि एक बार तीन फंदे बनाए, दोबारा चार ले लिए, तो वो बराबर नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, तीन फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद बटन होल बनाने का मेरे पास चैनल पे एक अलग से भी वीडियो है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तीन फंदे सीधे बुन के ऊन आगे किया और ये दो फंदे एक साथ हमने बुन लिए। ये एक बटन होल बन गया। फिर तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे, दो और ये तीन, ऊन आगे करेंगे और ये दो फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे। ये दूसरा बटन होल बन गया। फिर हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो और ये तीन। फिर हम ऊन आगे करेंगे और दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे। ये हमारा तीसरा हो गया। फिर तीन फंदे सीधे, दो, तीन और ये ऊन आगे, ये दो फंदे एक साथ, ये हमारा चार बटन होल। और उल्टी तरफ उल्टा उल्टा बिनेंगे, इस तरह से हमारे ये बटन होल बन जाएंगे। और बटन होल बनने के बाद जितनी सिलाइयाँ हमने नीचे बिनी हैं, जैसे मैंने तीन बिनी थी, तो आप तीन ऊपर, तीन सिलाइयाँ बटन होल बनाने के बाद बना लेंगे। और फिर उसके बाद ये जो साइडों में फंदे देखे, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये फंदे बढ़ने शुरू हुए हैं और फिर ये फंदे बनाएंगे। मतलब तीन सिलाई नीचे बनी है, फिर तीन सिलाई के बाद बटन होल, फिर तीन सिलाई ऊपर बना के फिर ये साइडों में दोनों तरफ से फंदे बढ़ेंगे। और इसकी जितनी चौड़ाई रखनी है आपको, ये पैंटी वाला पोर्शन जितना रखना है, मतलब पैंट का पोर्शन, आप लोअर पोर्शन, उतना आप इसकी, तब तक आप ये बढ़ाएंगे, ये हिस्सा आप बढ़ाएंगे। उसके बाद वहाँ से जब आपकी चौड़ाई जितना हो जाए, तो फिर आप लंबाई जितना नॉर्मल सीधा उल्टा बिनते रहेंगे। जब आपके आर्म होल की शेपिंग तक पहुंच जाए लंबाई, फिर आप वहां स्टॉप कर देंगे। और ये आठ फंदे इधर और आठ फंदे इधर मैंने इसमें घटाए हैं। फिर उसके बाद ये 12-15 सिलाइयाँ मैंने दो सीधे दो उल्टे की बनाई हैं, इतना। फिर उसके बाद बीच में ये दोनों 12-12 फंदों की स्ट्रिप्स हैं और बीच में सारे फंदे मैंने घटा दिए। फिर उसको मैंने बराबर 13 या 14 सिलाइयाँ, जितनी लंबी आपको स्टेप रखनी हो उतनी लंबी आप स्टेप रख के, और लास्ट में ये आप बटन होल बनाएंगे जैसे आपने नीचे बनाया था, और फिर ऊपर एक दो सिलाइयाँ बुन देंगे। टोटल ये 18 सिलाई, ये पूरी स्टेप जो है मेरी 18 सिलाइयों की है। तो ये मैंने आपको बटन होल बनाना बताया। उसके बाद आप तीन सिलाइयाँ, जितनी आपने नीचे बनाई थी उतनी ही सिलाइयाँ आप ऊपर बना लेंगे और फिर आप ये फंदे घटाएंगे। और इसके दूसरे पोर्शन में ये बटन होल नहीं बनेगा। ये देखिए, ये हमारा दूसरा पोर्शन है जिसमें कि हमें बटन होल नहीं बनाने हैं। अब इसमें हमें ये साइड में फंदे कैसे बढ़ाने हैं ये हम देखते हैं। दोनों तरफ दो फंदे हम बुन लेंगे सीधे, दो सीधे बुन लिए। और ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है धागा, ये धागा हम इस सिलाई पे ले लेंगे ऐसे, और इसको हम सीधा बुन लेंगे, इसको हम सीधा बुन लेंगे। हमारा एक फंदा बढ़ गया, बाकी बीच के फंदे एज इट इज़ नॉर्मल बुन लेंगे। ये 20 फंदे से बढ़ के मेरा 52 फंदे तक हो जाएगा। मैं तब तक फंदे बढ़ाऊंगी दोनों तरफ एक एक फंदे, और जब 52 फंदे हो जाएंगे फिर मैं बढ़ाना बंद करके जितनी लेंथ मुझे चाहिए होगी हमारे जहाँ से हमें शेपिंग देनी है स्लीव्स की, उतनी लंबाई जब हो जाए तो हम बनना बंद कर देंगे। उधर हमने दो सीधे बिन के बढ़ाया था, इधर जब लास्ट में दो फंदे बच जाए तो ये देखिए, ये नीचे वाला जो फंदा, ये जो लूप है नीचे वाली सिलाई का, ये ऐसे उठा के इस सिलाई पे ले लेंगे, इसे एज ए फंदा स्टिच सीधा बुन देंगे इस तरह से।
उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। उल्टी सिलाई जैसे नॉर्मल उल्टी बुनते हैं वैसे ही हम हर सीधी सिलाई में फंदे बढ़ेंगे, उल्टी सिलाई में नॉर्मल उल्टी बुनेंगे। अब आपने देखिए 20 से शुरू किया था, हमारे 22 फंदे हो गए। एक फंदा ये एक होल दिख रहा है आपको, एक फंदा इधर बढ़ गया और एक होल आपको ये दिख रहा है, ये एक फंदा इधर बढ़ गया। अब फिर वही करना है, दो फंदे हमें बिन लेने हैं, एक दो सीधे बिन लिए, फिर ये नीचे वाली सिलाई का ये जो लूप है, ये जो देखिए ये लूप दिख रहा है, इसको ये हम ऐसे इस सिलाई पे ले लेंगे और इसको सीधा बुन देंगे। बाकी फंदे सीधे, बच्चों के ड्रेसेस स्वेटर कलरफुल बच्चों पे तो खैर सभी अच्छे लगते हैं। शेडेड कलर कई बार मार्केट में जो शेड आपको चाहिए नहीं मिलते हैं तो आप इन प्रधान ऑनलाइन वालों से एम्ब्रॉयडरी स्टोर से आप देख सकते हैं, कलेक्शन अच्छा है उनका। सारे फंदे बीच के सीधे, लास्ट में हमारे दो बचे। अब इसको ये नीचे वाले धागे को स्ट्रिंग को हम ऊपर इस सिलाई पे ले देंगे और इसको एडजस्ट सीधा बिन देंगे और लास्ट के दो सीधे। हर बार इसी तरह से हमें करना है और सीध उल्टी तरह पूरा सीधा। ये बढ़ने से ये हमारा ये वाला शेप आएगा, ये देखिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा, एक पोर्शन में बटन होल बनना है, एक पोर्शन में चार सिलाई बिन के फिर हम फंदे बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये फंदे मैंने 52 फंदे तक बढ़ाए हैं, आपकी जितनी चौड़ाई रखनी हो बेबी के हिसाब से आप बनाएं और इसे बढ़ाते हुए पूरा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको वेरिएशन अपने हिसाब से दे सकते हैं। चाहें तो बिल्कुल दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुने, मैंने सीधी तरफ सीधा और उल्टी तरफ उल्टा बिना है। आप दो कलर से बिने, कई कलर से बिन सकते हैं और बीच में कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं, इसके बाद आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं और आप इस तरह से इसे बनाते हुए अपनी जितनी रिक्वायर्ड लेंथ है वहाँ तक आप बनाएं। ये देखिए बेबी रूम पर जो हम बना रहे थे वन पीस बेबी रूम पर, उसका ये सेकंड पार्ट भी बनके तैयार हो गया। और ये सेकंड पार्ट भी हम आपको पहले भी मैंने बताया था कि इसमें बटन होल बना है, इसमें नहीं बना है, तो इसमें तीन सिलाइयाँ बिनने के बाद साइडों से ये बढ़ने लगी। जहाँ से हमने बढ़ाना बंद किया है वहाँ से अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो, हालांकि जाली से पता चल जाता है काउंट करके, और नहीं तो आप ऐसे मार्कर्स लगा के आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये इस तरह से, ये देखिए इतना पार्ट, फिर बटन लगाएंगे तो ये ऐसे बंद होगा। और उसके बाद हम यहाँ जितने आपके आर्म होल से शेपिंग जहाँ से शुरू करनी है, बच्चे के लंबाई के अकॉर्डिंग आप नाप लें। हमारा ये पीस पूरा हो गया, दोनों यहाँ से हमने नापा तो ये पूरा टोटल अगर देखें तो एक बित्ते के करीब है। और दोनों तरफ पूरे होने के बाद जब हमारा ये हो जाएगा हम मेजरिंग टेप से भी उसे नाप लेंगे, मेज़र कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम दोनों साइडों से ये चीज़ जो शेप, ये आर्म होल की जो शेपिंग है इधर और ये इधर, ये आठ आठ फंदे हम दोनों तरफ से घटा देंगे। फंदे कैसे घटाने हैं वो आपको मालूम ही है, एक बुन लिया दूसरा बुना और इसको इसके ऊपर से घटा दिया। ये इस तरह से एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, ओके, लास्ट एट, आठ फंदे। ये आठ फंदे हमारे दोनों तरफ घट गए।
और फिर इसी तरह पूरी सिलाई सीधी बिन जाएंगे, उल्टी बिन जाएंगे, और जब सीधी तरफ आएंगे तो 8 फंदे हम इस साइड में भी घटा देंगे। 8 फंदे बनाने के बाद ये देखिए, यहाँ मैंने ये जो गले की शेपिंग दी है यहाँ तक मैंने ये 15 सिलाइयाँ बुनी हैं। 15 सिलाइयाँ बुनने के बाद ये 15 सिलाई हम बुन लेंगे, तो बीच में मैंने ये 14 फंदे घटाए हैं। 14 फंदे घटा के 15 सिलाई ये बॉर्डर की, दो सीधा दो उल्टा की मैंने बुनी है। इसके बाद 15 सिलाई आपका अगर और मन है या कम मन है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये 15 बनने के बाद बीच में 14 फंदे घटाए हैं। और 14 फंदे घटा के ये 10 फंदे इधर और 10 फंदे इधर इस स्ट्रिप बनाई है। ये स्ट्रिप जो है टोटल 18 फंदे की है, और इसके इस भाग में मैंने बटन होल बनाए हैं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में बटन होल नहीं बनेगा। और ये 18 सिलाइयाँ दो सीधे दो उल्टे की बनेंगी। ये देखिए, हमने ये साइड में इधर 4-8 फंदे, इधर 8 फंदे घटा के, और ये दो सीधा दो उल्टा का ये मैंने 15 सिलाइयाँ बिनी। फिर उसके बाद यहाँ बीच में 14 फंदे घटा दिए। ये दोनों पट्टियाँ जो ये वाली और ये वाली हैं, ये 10 फंदों की हैं, दो सीधा दो उल्टा की। और उसके बाद ये जो कंगूरे मैंने क्रोशे से बनाए हैं, ये ऑप्शनल है। देखिए इधर मैंने नहीं बनाए हैं, ये बिना बना हुआ ऐसा दिखता है, और ये आपकी मर्जी पे। ये मुझे इस कलर को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए मैंने इसे बनाया, और आप नहीं बनाएंगे तो ये ऐसा। फिर उसके बाद ये साइड में सिल देने हैं दोनों पोर्शन। दो पोर्शन हमने बनाए थे, ये साइड में सिल दिए, और फिर अब इसको भी, इस पोर्शन को भी यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। और ये नीचे देखिए, यहाँ पे हमने ये बटन पट्टी बनाई, बटन होल बनाया था, और यहाँ पे हमने ये बटन लगाया, ये बटन लगा दिया, और इसको इसमें ऐसे बंद कर देंगे। और इस पोर्शन में बटन होल बनाया था हमने, इधर हमने ये बटन लगाया है, और ये इस तरह से। ये आप चाहें तो इस पोर्शन में बटन लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है, तो आप इसे इधर आगे को ऐसे करके लगा सकते हैं इस तरह। और ये कंगूरा आप बनाना चाहें तो ये जो कंगूरी से बने हुए हैं क्रोशिए से, वो आप बनाएं। और ये बनके आपका बेबी रूम पर तैयार हो गया। और इसे आप सुई से सिलें, और नहीं तो आप क्रोशिए से भी सिल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये क्रोशिए से जोड़ा हुआ है, फिनिश अच्छी आती है। ये दोनों को ऐसे ले लिया, और दोनों पार्ट्स को, और यहाँ पे दोनों पोर्शन के एक एक फंदे स्टिचेस लेते हुए। अगर आप सुई से नहीं इसको सिलना चाहते तो इजी वे में, इजी खैर वो भी है, लेकिन एक नई आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक इधर का लिया और एक इधर का लिया, और ये इस तरह से। फिर लेंगे, और फिर दूसरा, बस इतना ध्यान रखना होगा, सिंगल क्रोशे से जोड़ना है, और बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों जस्ट आमने सामने वाली ही स्टिचेज हों, नहीं तो वो झोल सा आ जाएगा। फिर ये इस तरह से, इस तरह से ऐसे सिलते हुए आप यहाँ जहाँ से ये आम होल की शेपिंग हुई थी यहाँ तक आप बराबर जोड़ लें। और अगर आप कंगूरे ये बनाना चाहते हैं तो आप इसको इधर बना लें, और ये बहुत ही इजी है, और आप इसे ट्राई करें। इसे आप नीचे इनर या कोई हल्का फुल स्वेटर, और जो हल्की ठंड में आप इसे छोटे बेबी को पहना सकते हैं। और ये मैंने ये कार्टून, ये टेडी का फेस बनाया है। आप यहाँ पे कोई पैटर्न बना सकते हैं, कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, बटन आपकी च्वाइस है, आप जैसा चाहें वैसे कलर का लगा सकते हैं। और ये आप ट्राई ज़रूर करें, ये बन के बहुत ही प्यारा लगता है। और ये कई तरीके से रोमपर्स बनते हैं, लेकिन ये सबसे इजी वे में मैंने बताया है। जैसे अगर जिन्होंने अभी शुरू, इस सर्दियों से जो शुरू करने वाले हों, बिगनर्स हों बिल्कुल, वो भी आसानी से बना सकते हैं। और ये ऊन जो है मल्टी कलर का शेडेड ऊन, इन्होंने ये ऑनलाइन शॉपिंग का प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर ऑनलाइन उन्होंने प्रोवाइड कराया था। उनकी रेंज और कलेक्शन अच्छा है, आप चाहें तो उन्हें भी ट्राई एक बार ज़रूर कर सकते हैं आप।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशन और सपोर्ट प्लीज़ देते रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नई वीडियो जब आएँ तो आपको पता चले। थैंक यू।